नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बाल संरक्षण आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने विदिशा के गुरुबाई में सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण किया है। कानूनगो ने बताया कि स्कूल परिसर में मुस्लिम शिक्षक ने अवैधानिक तरीके से मजारनुमा चबूतरे का निर्माण कराया था। स्कूल में नमाज पढ़ने का भी कक्ष है जिसमें मुस्लिम छात्राएं नमाज पढ़ती है। शुक्रवार को छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर बाद छुट्टी दे दी जाती थी। स्कूल के आसपास की जमीन पर मुस्लिम व्यक्ति ने कुरबाई नवाब से सांठ गांठ कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसके बारे में स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने अधिकारियों से बातचीत की, ज्ञापन सौंपा और इस पर कार्रवाई की मांग की है। कानूनगो ने जांच के सहयोग नहीं करने वाले डीईओ बीईओ समेत कई अधिकारियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। बच्चों ने ये बताया कि पहले यहाँ जो प्रिंसिपल थी, जिसको 15 अगस्त की इस जांच के आसपास हटाया गया, उस प्रिंसिपल के रहते यहाँ कभी वंदे मातरम गान नहीं हुआ। राष्ट्रगान केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे किया जाता था। उस प्रिंसिपल ने खुद ने एक कमरा यहाँ पे आरक्षित किया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ वो मुस्लिम टीचर्स जो यहाँ पे थीं उनके साथ नमाज पढ़ा करती थी। एक अलग तरीके का माहौल इस विद्यालय में क्रिएट किया जा रहा था। हमको यहाँ पे ये भी पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए स्कूल से भेज दिया जाता है। यहाँ हमने पता किया, जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरों में कभी भी टीचर्स से बात ही नहीं की।